नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब भी आप लोग NSC या फिर KVP के सर्टिफिकेट्स को क्लोज करते होंगे तो आपको ये जो एरर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दी ओवर ड्यू डिपॉजिट इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैलकुलेशन इज नॉट अप टू डेट, तो ये एरर आपको आता होगा। तो जब भी ये एरर आपको आएगा आप इन सर्टिफिकेट्स को क्लोज नहीं कर पाएंगे, ना CSCC AA से ना CNSB CV से, किसी भी मेन्यू से आप इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। चाहे तो आप अगर ट्रायल क्लोज भी करना चाहें, जो इसकी आप वैल्यू देखते हैं HCAA CTD में, अगर आप ट्रायल क्लोज करके भी इसकी वैल्यू निकालना चाहें मैच्योरिटी अमाउंट, तो वो भी आप नहीं निकल पाएंगे। उस टाइम पे भी देखिए, द ओवर ड्यू डिपॉजिट इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैलकुलेशन नॉट अप टू डेट, यही मैसेज आपको बार बार आएगा। तो क्या है इसका सोल्यूशन, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे आप इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स को क्लोज कर पाएंगे और साथ में क्लोज करते टाइम आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कस्टमर्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको देनी है, वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। सबसे पहले बल्क क्लोजर की प्रोसेस को देखते हैं। मेन्यू शॉर्टकट CNSB CV, आप मेन्यू शॉर्टकट में टाइप करेंगे और गो के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको NSC KVP बल्क क्लोजर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप CIF ID और रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर के सर्चर पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए आपको क्लोजर वैल्यू डेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो क्लोजर वैल्यू डेट में दोस्तों आपको कस्टमर का जो भी NSC या KVP का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की जो भी मैच्योरिटी डेट थी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो जब आप क्लोजर वैल्यू डेट में उसकी मैच्योरिटी डेट को मेंशन करके बाकी की प्रोसेस आपकी जो आप क्लोज करते हो, रिपेमेंट अकाउंट में आपका सेविंग्स का अकाउंट नंबर और उसके बाद सबमिट, तो जब ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपका बल्क क्लोज़र वो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंगल सिंगल सर्टिफिकेट्स के लिए CSCC AAC ये मेन्यू आप यूज़ करेंगे। फंक्शन कोड में वही क्लोज़र आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी देखिए क्लोज़र वैल्यू डेट आपको दिखेगी। तो यहाँ भी आप क्लोज़र वैल्यू डेट को या तो आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, नहीं तो ये जो कैलेंडर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने NSC KVP के सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल जो मैच्योरिटी डेट होगी वो आपने क्लोज़र वैल्यू डेट में ले लेनी है और उसके बाद का प्रोसीजर वो सेम होगा। गो के बटन पे क्लिक करेंगे, रिपेमेंट में कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट या फिर कैश में पेमेंट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपका ये जो NSC KVP के इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें ये एरर आता होगा ओवर ड्यू डिपॉजिट का, तो आपका क्लोज हो जाएगा। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जब आप मैच्योरिटी डेट को क्लोज़र वैल्यू डेट में रखेंगे तो सिर्फ उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी, यानी कि NSC का जो 5 साल का ड्यूरेशन था या फिर KVP का जो 10 साल का ड्यूरेशन जिसमें वो डबल होता है, तो KVP के सर्टिफिकेट्स में सिर्फ डबल वाली अमाउंट मिलेगी और NSC के सर्टिफिकेट्स में जो शुरू में इनिशियल अमाउंट की जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको बताई गई थी वही आपको मिलेगी, पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपने कस्टमर को बता देना है जब भी आप ऐसे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, तो आपको पहले बता देना है कस्टमर को कि आपको जो पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। अगर कस्टमर आपसे बोलता है कि मुझे PMI चाहिए, तो आप ऐसे जितने भी अकाउंट्स होंगे जिसमें आपका ये एरर आता होगा, तो ऐसे एरर का आप CBS CPC को जो है अपना एरर लिख के भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वो ऐसे अकाउंट्स की मॉडिफिकेशन करेंगे। उसमें दोस्तों टाइम भी लग सकता है, 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम लगे, वो जो है टाइम की लिमिट नहीं है, वो टाइम कितना भी लग सकता है। लेकिन अगर कस्टमर को अर्जेंट चाहिए, वो PMI छोड़ने को तैयार हो, तो आप दोस्तों ये क्लोज़र वैल्यू डेट में उसकी मैच्योरिटी डेट डाल के सिर्फ उसकी मैच्योरिटी अमाउंट बिना PMI के उसको हैंडओवर कर सकते हैं। तो आपको ये जो है प्रोसीजर तभी फॉलो करना है जब कस्टमर राजी हो जाए PMI छोड़ने के लिए, उसको अर्जेंसी में जब भी ऐसे KVP NSC के सर्टिफिकेट्स क्लोज कराने हो तो ही आप ये प्रोसीजर फॉलो करें। ये ओवर ड्यू डिपॉजिट का एरर इसीलिए ही आता है क्योंकि जो उनका PMI होता है पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट, वो अप टू डेट नहीं होता है। किसी किसी सर्टिफिकेट्स में ये एरर आ जाता है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है कस्टमर से कंसेंट लेके। आप कस्टमर से राइटिंग में भी ले सकते हैं या फिर आप कस्टमर अगर आपको जानता है आप उसको बता दें और वो मान जाता है, तो आप उसको क्लोजर वैल्यू डेट को मैच्योरिटी डेट में वहाँ पर मैंशन करके ऐसे अकाउंट को क्लोज भी करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्रोसीजर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।